आज जैसे हम बात कर रहे थे कि ड्रग्स के बारे में, दवाई के बारे में, दवाई में भी बहुत सी कैटेगराइज हैं। तो जो इम्पोर्टेंट कैटेगरीज हैं, इम्पोर्टेंट कैटेगरीज में कौन सी ड्रग्स हैं? जैसे आज बात करेंगे हम एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक्स चूँकि एक बहुत ब्रॉड टर्म है, तो एंटीबायोटिक्स के अंदर हम किसकी बात करेंगे? एंटी फंगल ड्रग्स। तो आप सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, शब्द जब भी आ जाए ड्रग्स, दवाई, ड्रग्स क्या होती है, तो मेरा अपना बनाया हुआ ट्रिक है, आप ये 10 चीज़ें दिमाग में रखना। क्या रखना? एक है ICMSP, ICMSP, RITUP, मतलब ICMSP, RITUP, मतलब किसी भी ड्रग्स के बारे में आपको बेसिक नॉलेज के बारे में, बेसिक अगर नॉलेज है तो ICMSP, RITUP। अब ये क्या है ICMSP, RITUP? तो इसके बारे में यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। आई फॉर इंट्रोडक्शन, किसी ड्रग्स के बारे में क्या आपको जानकारी होनी चाहिए, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट होना चाहिए, उसमें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। सेकंड पार्ट है सी, सी मतलब होता है क्लासिफिकेशन, मतलब वो जो ड्रग्स है वो किस कैटेगराइज के अंदर आती है या कौन सा मतलब उसमें करेक्टर आता है। तो सी मतलब हो गया ये हमारा क्लासिफिकेशन, एम से हो गया हमारा मोड ऑफ एक्शन, मतलब वो जो दवाई है, जो ड्रग्स है, उसका काम करने का तरीका कहाँ कहाँ काम करता है, किस ऑर्गन पर काम करता है। थर्ड पॉइंट, ये जो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा एस, एस मतलब क्या होगा? स्ट्रक्चर। अगर दवाई है तो उसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा, तो अगर स्ट्रक्चर है तो उसका ना कुछ नाम होगा, तो हम जब उसकी नाम की बात करेंगे तो हमको IUPAC नाम प्रेफर करना होगा। तो यस फॉर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर प्लस IUPAC। एंड पी फॉर क्या होता है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब गुण, गुण मतलब क्या होता है? दोनों प्रकार से, एक हमारा भौतिक गुण हो जाएगा, एक हमारा रासायनिक गुण, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको मैंने इधर से रखा क्या PP मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, और CP मतलब होता है केमिकल प्रॉपर्टी। आगे तो आप ध्यान रखना ICMSP, और छठी बात है R, R मतलब क्या होता है? रिएक्शन विथ अदर केमिकल, मतलब वो जो ड्रग्स है वो तो जो हमारे बॉडी में करेगी वो तो करेगी, लेकिन ये और केमिकल के मतलब कांटेक्ट में आने पे कैसा रिएक्शन देती है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। इसी को आगे चलकर साइड इफेक्ट्स बोल सकते हैं, जो आगे बात कहूँगा। ये आई मतलब क्या है? आई मतलब हो गया इन्फ्लामेशन। अब ड्रग अगर हम खा रहे हैं तो हमारे बॉडी में या उसका इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी पार्ट है या नहीं है, ये भी आएगा। टी से हो जाएगा टॉक्सिसिटी, मतलब वो हमारे में, हमारे बॉडी में एक ट्रीटमेंट थेरेपेटिक इफेक्ट दे रहा है या फिर वो पॉइजन का काम कर रहा है। फो और जो हमारा ये नाइन्थ पॉइंट हो जाएगा यू, उस ड्रग्स के यूजेस क्या हैं। और पी से हो जाएगा प्रिपरेशन, मतलब वो ड्रग्स बनाई कैसे जाएगी। मतलब आप ध्यान रखना, इतनी देर बोलने का सिर्फ एक मतलब था कि आपको ये याद होना चाहिए ICMSP, RITUP, दिमाग में ये कंसेप्ट बैठा लो। ये आईसी क्या है? ये हो जाएगा इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ एक्शन, ये हो जाएगा स्ट्रक्चर विथ IUPAC, पी से हो जाएगा उसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में तुम्हारा PP, CP आ जाएगा, PP मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, CP मतलब केमिकल प्रॉपर्टी, R से हो जाएगा रिएक्शन विथ अदर केमिकल, I से हो जाएगा इन्फ्लामेशन, T से हो जाएगा उसकी टॉक्साइज, U से हो जाएगा यूजेस, P से हो जाएगा उसका प्रिपरेशन, मतलब उस ड्रग को आप कैसे प्रिपेयर करोगे। पॉइंट नंबर ये बात करते हैं, एक पॉइंट है ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट डिस्कस ये करते हैं कि चूंकि हम आज ये टॉपिक लिए हैं एंटी फंगल एजेंट, तो ये जो मैंने ड्रग्स के बारे में बताया ये सबके लिए कॉमन होगा। ये चाहे एंटी फंगल ड्रग्स हो, चाहे डायरोटिक्स हो, चाहे कोई भी ड्रग्स होंगे, उनके लिए ये चीजें, दसों चीजें कॉमन हैं। तो अब बात करते हैं हम किसकी? एंटी फंगल एजेंट। अब देखो यहां पर आएगा फंगस, एक फंगल है, इसी को हम एंटी माइकोटल एजेंट भी बोलते हैं, क्योंकि फंगस का एक दूसरा नाम माइकोटा, माइकोटा फैमिली, ये प्लांट किंगडम से आती है, उससे रिलेटेड है। अब दूसरे नंबर पर बात करेंगे कि हमारे बॉडी में कितने टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो ये हम रफली पार्ट है, तो टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करेंगे। टाइप ऑफ इन्फेक्शन में अगर हम देखेंगे तो पहला टाइप ऑफ इन्फेक्शन में आता है सुपरफिशियल इन्फेक्शन, दूसरा होता है सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन, और तीसरा होता है सिस्टेमिक इन्फेक्शन। बहुत ध्यान से, जब हमारी देखिए सुपरफिशियल क्या है, जब हमारे स्किन के सबसे ऊपरी पार्ट में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम सुपरफिशियल बोलते हैं। अब अगर स्किन के जस्ट थोड़ा नीचे, मतलब क्यूटीनियस पार्ट, मतलब जस्ट हमारे स्किन के जस्ट नीचे थोड़ा सा हो जाता है तो उसको सबक्यूटीनियस इन्फेक्शन बोलते हैं। अब अगर कोई इन्फेक्शन सबक्यूटीनियस के अंदर, मतलब हमारे ब्लड कैपिलरीज,
या ब्लड फ्लो में आ गया। अब ब्लड फ्लो में आ गया तो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कहने का एक मतलब है कि इन्फेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, इन्फेक्शन तीन टाइप के होंगे। पहला है सुपरफिशियल, दूसरा है सबक्यूटेनियस, तीसरा है सिस्टमिक इन्फेक्शन। अब ध्यान ये देनी बात है कि सुपरफिशियल इन्फेक्शन और सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन, ये जो दोनों जो इन्फेक्शन है इनको ट्रॉपिकल या लोकल लेवल का इन्फेक्शन बोलते हैं, और तीसरा जो सिस्टमिक इन्फेक्शन है इसको क्या हम ओरली या इंट्रावेनस ट्रीट करते हैं, मतलब ट्रीटमेंट के ये तरीके हैं। तो सेकंड पार्ट हो गया हमारा, क्या हो गया, टाइप ऑफ इन्फेक्शंस। अब बात करते हैं, चूंकि हमने जो मेन टॉपिक लिया है, टॉपिक क्या है हमारा, एंटी फंगल। तो एंटी फंगल के बारे में अब बात करते हैं कि इसका मोड ऑफ एक्शन, मतलब कुछ देखो आज हम मेनली एंटी फंगल ड्रग के बारे में थोड़ा बस थोड़ा सा सरफेस के बारे में बता रहे हैं कि क्या है उसके सरफेस के बारे में, अभी हम ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। कि अगर आपको एंटी फंगल एजेंट या एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में जानना है तो आपको क्या क्या बेसिक चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं उसके क्लासिफिकेशन की। तो अब हमने यहाँ चार प्रकार के क्लासिफिकेशन दिए, अभी आपको ये कम समझ में आ रहा होगा लेकिन धीरे धीरे जैसे बताएंगे तैसे आपको ये क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो अब हम अगर एंटीफंगल एजेंट के बारे में जानना है तो चार, मैंने अभी ये जो दिया है चार बातें आपको बताया हूँ। पहला क्या है, पहला है मोड ऑफ एक्शन, मतलब ये जो एंटीफंगल ड्रग्स होते हैं ये काम कैसे करते हैं, ये एंटीफंगल ड्रग्स जो हैं ये काम कैसे करते हैं। तो पहला है मोड ऑफ एक्शन, दूसरा है ये जो एंटीफंगल ड्रग्स हैं इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर मैंने थोड़ा सा इसका डिवाइस किया है, और तीसरा वाला जो है कि जो एंटीफंगल ड्रग्स होते हैं उनका रूट कैसा है, उनका मतलब किस ट्रॉपिकली हैं, ओरल है, इंजेक्टेबल है, किस फॉर्म में दिए जाएंगे, और चौथा है कि वो जो एंटीफंगल ड्रग्स हैं ये कैसे, मतलब ये नेचुरल हैं कि सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो ये चार टाइप हैं, पहला है मोड ऑफ एक्शन, इनके काम करने के तरीके हैं। तो उसी में मोड ऑफ एक्शन में पहला चीज़ देखते हैं, लिखा ये है कि फंगल सेल वॉल जो होती है वो सिंथेसिस इनविट कर देती है। मतलब ये जो ड्रग्स, एंटीफंगल ड्रग्स क्या होते हैं, एंटीफंगल ड्रग्स ये होते हैं जो फंगस की ग्रोथ को क्या कर दें, या तो किल कर दें या तो रोक दें, यही तो मतलब होता है। तो कहने का मोड ऑफ एक्शन है, जैसे कुछ जो दवाइयां हैं, जैसे यहाँ पर कैस्पोफुंजिन ये एक एंटीफंगल ड्रग्स है, ये क्या करेगा, अगर हम इसको कैस्पोफुंजिन अगर लेते हैं तो ये क्या कर देगा, हमारे बॉडी में जहाँ भी फंगल ग्रोथ हो रहा है उनकी सेल वॉल की सिंथेसिस को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। अब किसी सेल वॉल की अगर कोई फंगस है उसका सेल वॉल ही नहीं बनेगा तो काहे का ग्रोथ करेगा, तो इसका मतलब वो फंगल ग्रोथ आसानी से रुक जाएगा। सेकंड बात करते हैं, अब ये दूसरी जो दूसरी एंटीफंगल ड्रग्स होती है ये एम्फोटेरासीन बी और एक है नाइसस्टेटिन, ये दो है एम्फोटेरासीन बी और नाइसस्टेटिन, ये क्या काम करता है, अगर ये भी एक प्रकार के एंटीफंगल ड्रग्स हैं, अगर ये हम इसको इसका सेवन करते हैं इसको बार बार लेंगे तो ये क्या करेगा, ये हमारे बाइंड विद फंगल सेल मेम्ब्रेन, मतलब बात एक है, जैसे एक होता है ना कि एक थाली के चट्टे बट्टे, ऐसे ये पूरा मोड ऑफ एक्शन क्या करना है, इन पांचों का काम एक है, कुल मिला के सेल को या तो मारना है या तो रोकना है। अब कोई क्या करेगा, उनकी सेल वॉल में छेद कर देगा, कोई उनको किल कर देगा, कोई इनका कुछ और कर देगा, मतलब करेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी ड्रग्स क्या करती है। तो कैस्पोफुंजिन क्या करती थी, सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देती है, और एम्फोटेरासीन बी और नाइसस्टेटिन क्या करती है, ये एर्गेस्ट्रॉल, मतलब फंगल सेल वॉल की मेम्ब्रेन में एर्गेस्ट्रॉल से बाइंड कर क्या करती थी, छेद कर देती है, मतलब पोर कर देती है। अब बताओ किसी के घर में अगर छेद हो जाएगा तो उसका घर का सारा मटेरियल क्या हो जाएगा, बाहर चला आ जाएगा, और सब घर के मटेरियल बाहर चले आएंगे तो सेल क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो अल्टीमेट ये हमारा जो एम्फोटेरासीन है वो ये करता है। तीसरा बात आया कि जो नेफ्टिफाइन और है ब्यूटेनाफाइन, नेफ्टिफाइन ब्यूटेनाफाइन ये जो एंटीफंगल ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, सेम ये इनहिबिट मतलब रोक देती हैं एर्गेस्ट्रॉल और लैनोस्टेरॉल सिंथेसिस को, ये भी एक फंगल सेल वॉल मेम्ब्रेन का एक
पार्ट होता है, और जब यही नहीं बनेगा तो सेल वॉल का ग्रोथ ही नहीं होगा। मतलब कुल मिला के अल्टीमेट में फिर बोल रहा हूँ कि आपको इम्पोर्टेंट ये है, ये ड्रग्स के नाम याद करना है। क्या नाम है? कैस्पोफुंजीन, एम्फोटेरासीन भी, नेस्टैटिन, जैसे आगे हो गया नेफ्टिफाइन, ब्यूटेनाफाइन। आगे बात करते हैं इनहिबिटिन, इनहिबिशन ये भी रोक देगा क्या? न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, कौन? ये 5-फ्लूसाइटोसिन। 5-फ्लूसाइटोसिन क्या करेगा? फंगल सेल वॉल के अंदर जो केंद्रक के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड बन रहा है उसका ग्रोथ रोक देगा। जब उसका ग्रोथ रोक देगा तो डजंट मैटर, उसका कोई फंक्शन नहीं हो जाएगा। और पचवा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेल डिवीजन। ये क्या, ये जो ग्राइसियोफल्विन है, ये जो ड्रग्स है, ये क्या कर देगा? ये फंगल सेल वॉल का डिवीजन ही रोक देगा। मतलब एक प्रकार का क्या है, फंगो स्टैटिक है, उसका वो बढ़ने ही नहीं देगा। भाई तुम 10 हो तो तुम 10 ही रहने देगा, और जब तुम्हारी संख्या कम हो जाएगी तो ह्यूमन बॉडी की एंटीबायोटिक क्या होती है, उसको 1-2-3 कर देंगी, मतलब मार देंगे। अल्टीमेट देखो, फाइनल बात करते हैं पांचों पॉइंट का। सेलवाल का ग्रोथ रोक देती है कौन? कैस्पोफुंजीन। एर्गेस्ट्रॉल के साथ बाइंड करके उसमें छेद कर देती है कौन? एम्फोटेरासीन और नाइसिस्टीन। और क्या करता है? उसके एर्गेस्ट्रॉल लैनेस्ट्रोल सिंथेसिस को रोक देता है कौन? नेफ्टिफाइन और ब्यूटेनाफाइन। और न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को रोक देता कौन? फ्लाइसाइटोसिन। उसके बाद सेल वॉल, मतलब उसके सेल डिवीजन को रोक देता है कौन? फंगल सेल डिवीजन को कौन? ये हमारा ग्राइसियोफल्विन। मतलब ये एक प्रकार के, ये जो जितने ड्रग्स आ रहे हैं, ये सारे ड्रग्स क्या करते हैं? फंगल के कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट पर क्या करते हैं? कुछ ना कुछ स्टॉप करेंगे या तो उसको मार देंगे। आगे बात करते हैं, ये पहला था मोड ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका। सेकेंड पार्ट करते हैं स्ट्रक्चर। अब देखो फटाक से इसको देखते हैं, थोड़ा सा ये केमिस्ट्री वाला पार्ट आ जाता है। तो इसमें मोड ऑफ एक्शंस में ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर में अगर हम लेते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या है, एक है हमारा एंटीबायोटिक, दूसरा है एजोल। एंटीबायोटिक में आ जाता है पॉलीइन। ध्यान से सुनना, पॉलीइन मतलब क्या होता है? जब भी किसी कंपाउंड में क्या हो, दो या दो से अधिक डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो जाते हैं तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है? पॉलीइन बोला जाता है। तो ऐसे एम्फोटेरासीन भी, और क्या है, नाइस्टैटिन भी। इसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स वाले क्या होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ध्यान रखना। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। और दूसरा एक कंपाउंड है हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरेन। अब दिमाग यहीं से दिमाग में रखना, ये क्या है, बेंजो मतलब बेंजीन, फ्यूरेन मतलब फ्यूरेन। अब देखो यहाँ पे आप फटाफट, मतलब यहाँ तो बना दिया स्ट्रक्चर, फ्यूरेन का स्ट्रक्चर याद रखना। जब भी भाई ये ध्यान रखना, एक ऑक्सीजन ऐसे देखो ना, 5 कार्बन का ऐसे 5 मेंबर रिंग होगा, एक ऑक्सीजन मतलब 4 कार्बन 4 कार्बन, एक ऑक्सीजन 5 मेंबर, इसको फ्यूरेन बोला जाता है। अब बेंजीन इसी के साथ जोड़ दो, जब बेंजीन इसी के साथ जोड़ दो जब बेंजो फ्यूरेन, क्या? तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हेट्रोसाइक्लिक बेंजो, ये क्या है, ग्राइसियोफल्विन। देखो ऊपर वाला मोड ऑफ एक्शन बताया था, नीचे क्या बताया हूँ, इनका स्ट्रक्चर के बेस पे। इनमें क्या होते हैं, ये जो ड्रग्स हैं एम्फोटेरासीन भी और नाइस्टैटिन, इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड बहुत से ज़्यादा पाएंगे। और ग्राइसियोफल्विन क्या है, ये क्या करता है, जो सेल वॉल मतलब सेल डिवीजन को रोक देता था, इसमें क्या है, इसमें बेंजीन रिंग के साथ क्या पाया जा रहा है, ये फ्यूरेन पाया जा रहा है, फ्यूरेन रिंग पाया जा रहा है। इसीलिए आप ध्यान से सुनना, इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर बहुत आसान है। देखो ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है ना, तो यहाँ ये फ्यूरेन रिंग है, 5 नंबर का, ये 1-2-3-4-5 5 कार्बन, ये फ्यूरेन है, ये बेंजीन है। आईपीसी का नोमेनक्लेचर यहाँ से शुरू को, 1-2-3 ठीक है ना, ये बाइसाइक्लो में जो 4-5-6-7 इस प्रकार से, ये वाला पार्ट हमारा बेंजीन हो जाएगा, ये पार्ट हो क्या हो जाएगा, फ्यूरेन। इसीलिए इसका नाम क्या बना है, बेंजो फ्यूरेन। हेट्रोसाइक्लिक क्यों बना है, क्योंकि ये देखो कार्बन 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 कार्बन, बीच में कौन आ गया, ऑक्सीजन। ध्यान रखना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिन कार्बन, अगर कार्बन के बीच में ऑक्सीजन नाइट्रोजन या सल्फर कोई और प्रोडक्ट आ जाए, कोई और कंपाउंड आ जाए, तो उनको हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। अगर सिर्फ कार्बन 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 आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक बोलते हैं। ये आगे काम आएगा। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर हो गया। दूसरा बात करते हैं एजोल। एजोल क्या होता है, एजोल में दो टाइप का आगे, एक आया इमिडाजोल, एक आया ट्राएजोल। देखो ये जो एजोल है इसमें ड्रग्स के नाम है कीटोकोनाजोल, माइकोनाजोल। अब देखो ट्राइएजोल में क्या, फ्लूकोनाजोल, ये हो जाएगा एट्राकोनाजोल। तो कुल मिला के ये ध्यान देना कि ये एजोल्स क्या होते हैं। तो एजोल ये, अब इस कंपाउंड को मैं वापस बना रहा हूँ कि क्या है, 5 मेंबर रिंग पर 2 नाइट्रोजन आ जाए, 5 मेंबर रिंग पर क्या आ जाए, 2 नाइट्रोजन अगर आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम एजोल बोलते हैं। ये एक प्रकार से इसको एजोल बोलते हैं। और दूसरा शब्द आया ट्राइजोल, क्या होते हैं, 5 मेंबर पर अगर 3 कार्बन आ जाए, मतलब 3 नाइट्रोजन आ जाए, ये
अगर फाइव मेंबर रिंग पर तीन नाइट्रोजन अगर आ जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये ट्राइजोल हो जाता है। तो इस पर हमारा डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो दिमाग में ये ध्यान रखना, पाँच, देखो पाँच मेंबर रिंग पर एक ऑक्सीजन आ गया था फ्यूरेन, पाँच मेंबर रिंग पर दो नाइट्रोजन आएंगे इमिडाजोल, पांच मेंबर रिंग पर अगर तीन नाइट्रोजन हो जाएंगे तो उसको ट्राइजोल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप इसका, ये एम्फोटेरासीन भी है, निसिस्टीन है, ग्रीसोफेल्विन है, ऐसे तो इमिडाजोल में क्या हो जाएगा, कीटोकोनाजोल और माइकोनाजोल, ऐसे ट्राइजोल्स में क्या हो जाएगा, फ्लुकोनाजोल और इट्राकोनाजोल। बाकी इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर बाद में करेंगे। ये था दूसरा स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तीसरा है उसका रूट। अगर रूट पे बात करते हैं कि रूट क्या है, अब देखो फट से इधर देखते हैं रूट क्या है। तो रूट के बेसिस पे इनका कंपाउंड देखें तो रूट के बेसिस पर एक आया है ट्रॉपिकल, दूसरा आया है ओरल और तीसरा आया है इंट्रावीनस ना। कुछ ये हमारे एंटीफंगल ड्रग्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, जैसे ऊपर से क्रीम के फॉर्म में लगाया जा सकता है तो ट्रॉपिकली लगाया जा सकता है, ऊपर लगाया जा सकता है। वो ऐसे ड्रग्स कौन से है, एम्फोटेरासीन बी और नाइस्टैटिन, ठीक है। और ओरली मतलब जिसको हम टैबलेट के फॉर्म में या कैप्सूल के फॉर्म में जिसको खा सकते हैं उसको क्या है, माइकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल और एट्राकोनाजोल और ग्राइसियोफल्विन। मतलब एक प्रकार से ये पांच ड्रग्स ये हो जाएंगे। तीसरी बात हो जाएगी आईबी, आईबी मतलब हमको उसको इंजेक्शन के फॉर्म में कौन कौन सी ड्रग्स आएगी, एम्फोटेरासीन बी, माइकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल। मतलब देखो मैं बार बार एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अभी लास्ट में या फिर मैं शॉर्ट्स में इस इनके सारे का शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, आपको एकदम आसान हो जाएगा कि ये कैसे ये सब याद करना, शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा सब। अभी बस आप ध्यान से एक बार माइंड में रिव्यू बना लो कि कैसे बात कर रहे हैं। तो रूट के माध्यम से इसको मतलब क्रीम के फॉर्म में ऊपर लगाया जा सकता है, इसको टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में खाया जाए, इसको क्या दिया जा सकता है, इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाए। ये हमारा था तीसरी बात। चौथी बात करते हैं हम सिंथेसिस पर। सिंथेसिस पर देखते हैं कुछ चीज़ें सिंथेटिक होती हैं जो मतलब हमको कॉमर्शियली बनानी पड़ती है, और कुछ चीज़ें हमें क्या होता है नेचुरली मिलता है। तो सिंथेटिक में क्या आ जाएगा, कार्बोजिलिक एसिड एंड मेटलिक साल्ट से क्या बनाया जाता है, अनडेक्साइक्लिनिक एसिड, एक प्रकार का ये एंटीफंगल ड्रग्स होता है। दूसरा है फेनोलिक कंपाउंड, एक उसमें क्या होता है सैलिसिलिक एसिड। अक्सर आपने माइकोडर्मा एक पाउडर आपने जरूर देखा होगा, उसमें सैलिसिलिक एसिड और बेंजोनिक एसिड का कंपोनेंट आते हैं एंटीफंगल, वो हमारे फंगस वंगस के लिए हेल्प करते हैं। तीसरा है थायोकार्बोजिलिक एसिड, उसका एग्जाम्पल है टोलनाफेट, टोनाफिलेट, मतलब ये भी एक प्रकार का आता है। तीसरा है एजोल, बात कर ही चुके हैं, एजोले में क्या आ जाएगा माइकोनाजोल और ये हो जाएगा हमारा कॉल्ट्रामाइकाजोल। फिर हो जाएगा डाई में जेनेटिन और जेलेटिन वॉयलेट। फिर बात करते हैं नेचुरल में कौन हो जाएगा, एंटीफंगल या एंटीबायोटिक, और उस एंटीफंगल एंटीबायोटिक में क्या है ग्राइसोफल्बिन, और टेट्राइन में हो जाएगा एम्फोटेरासीन बी और निसिस्टीन। मतलब देखो ड्रग्स के, एंटीफंगल ड्रग्स के चार मैंने पहला बताया था मोड ऑफ एक्शंस, दूसरा बताया था उनका स्ट्रक्चर, तीसरा बताया था उनका रूट, और चौथा बताया था वो सिंथेटिक है कि नेचुरल है। अब देखो इन चारों में बाद में मैं फिर बता रहा हूँ आपको, इन चारों का एक ट्रिक बनाऊंगा और वो ट्रिक आपको बता दूंगा, इसलिए मेडिसिन याद रखना। अब देखो मैंने बहुत सी अभी तो दवाई ऊपर बता दी, लेकिन आप किसको मानोगे कि ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, तो ये एंटीफंगल के इंपॉर्टेंट दवाई है, तो इंपॉर्टेंट वाला मैंने इधर देखो एक दे रखा है। आपको किसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है, एम्फोटेरासीन बी के बारे में जानकारी लेनी है। आपको किसके, दूसरी कौन सी ड्रग्स है, माइकोनाजोल के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी लेनी है। तीसरी एट्राकोनाजोल के बारे में, चौथी हमारी हो जाएगा कीटोकोनाजोल के बारे में, पाँचवा हो जाएगा फ्लूकोनाजोल के बारे में, छठा हो जाएगा ग्राइसियोफल्विन के बारे में, और सातवीं मेडिसिन आएगी नेफ्ट्राइफाइन के बारे में। मतलब ये जो सात एंटीफंगल ड्रग्स है ना, आपको इन्हीं के बारे में ज़्यादा डिटेल करना है ना। अभी तो मैंने ऊपर से डिटेल बहुत बता दिए थे, लेकिन आपको इस पे फोकस करना है ज़्यादा, तो इसके आगे मैं ट्रिक बता दूंगा। अब इसको याद रखने लिए आप क्या बोलो, अमनी क्या, AMNI KGF, ध्यान से सुना, कोलार गोल्ड फील्ड नहीं है ये, KGF है, KGF। यहाँ से थोड़ा सा ये सातों मेडिसिन के नाम याद रखने के लिए आप देखो, ए से क्या हो जाएगा एम्फोटेरासीन, एम से होगा माइकोनाजोल, एन से हो जाएगा क्या देखो नेफ्टिफाइन, आई से हो जाएगा क्या एट्राकोनाजोल, के से क्या हो जाएगा कीटोकोनाजोल, जी से हमारा हो जाएगा ग्राइसियोफल्विन, और एफ से हो जाएगा हमारा क्या ये फ्लूकोकोनाजोल। तो आपको यही याद करना है, अमनी, KGF, आपको ये सात मेडिसिन
एंटी फंगल ड्रग्स बहुत अच्छी तरह याद रहेंगी। अब देखो, अब बात आई जो चार बातें हम फाइनल अब बात समिट कर रहे हैं, आगे एक ट्रिक देंगे इसके। तो एक तो ये ट्रिक हो गई एमनीआई केजीएफ, आपको ये सात मेडिसिन के बारे में नाम याद रखना। और जो भी कुछ देर पहले मैं रूट सिंथेटिक मोड ऑफ एक्शंस वगैरह वगैरह जो आर बार, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर या किसी में, क्योंकि अभी देखो ये मेरा एंटी फंगल का फर्स्ट लेक्चर है तो इसमें मैंने बेसिक बता दिए हैं, बाकी जब सेकंड थर्ड इसमें लेक्चर बढ़ाएंगे तो और डीप डिटेल करेंगे जो बहुत आसानी से समझ में आएगी। थैंक यू।